हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं फ्रेंड आपके साथ में सफ़ेद बालों को काला करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिसे लगाने के बाद में आपके नेचुरल तरीके से जड़ से वो भी सारे सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए। इस रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैंने यहाँ आयरन की कढ़ाई ली है और उसके बाद में मैंने यहाँ एक बड़ा ग्लास पानी का ऐड कर दिया है। आयरन की कढ़ाई में डाई बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर आप किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं इसे। और इसके बाद में मैंने यहाँ आंवला पाउडर लिया है। आंवला पाउडर आप घर का भी यूज़ कर सकते हैं और मार्केट वाला भी, जो भी अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ 4 बड़े चम्मच आंवला पाउडर ऐड किया है इसमें, क्योंकि आंवला पाउडर हमारे बालों को जड़ से ब्लैक करने का वर्क करता है, हमारे बालों को जड़ से मजबूत बनाता है, हेल्दी बनाता है, हमारे बालों की डैंड्रफ ख़त्म करता है, बालों का हेयर फॉल कम करता है। तो हमारे बालों के लिए ये बहुत अच्छा होता है, ये हमारे बालों पे बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर समय से पहले हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं या समय के बाद हुए हैं, ये दोनों ही सिचुएशन में बहुत अच्छा वर्क करता है। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये कोई भी लम्ब्स ना पड़े इसमें, और इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे। जब तक हमें इसे अच्छे से बॉयल होने देना है, तब तक कि इसका पानी हाफ ना रह जाता है, इसे अच्छे से बॉयल कर लीजिए। और जब ये हमारा बॉयल होने लगेगा, उसके बाद में हम इसमें सेकेंड इंग्रेडिएंट यहाँ पर ऐड करेंगे। ये देखिए, ये हमारे सारे लम्ब्स अच्छे से हट गए हैं, लम्ब्स यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए। इसे हम चलाते रहेंगे इस तरीके से। ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है सफ़ेद बालों को काला करने का, जो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इसे यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए, ये बॉयल आने लगा है अच्छे से और हमारा जो पानी है वो रिड्यूस होने लगा है। जब तक हमारा पानी रिड्यूस हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर सेकंड चीज़ जो लेने वाले हैं वो है चुकंदर। मैंने यहाँ मीडियम साइज़ का चुकंदर लिया है, मेरे बाल लॉन्ग हैं। आपके अगर बाल छोटे हैं तो आप इसको हाफ भी ले सकते हैं। और इसका हमें जूस निकालना है ग्राइंडर में। ये देखिए, अब हम चुकंदर को यहाँ पर डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और उसके बाद में हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर देंगे, ताकि इसका जूस निकल सके। ये बालों को बहुत अच्छे से कलर करता है हमारे बालों को। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा चुकंदर जो है ग्राइंड हो चुका है और अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और इसका जूस निकाल लेंगे। इस तरीके से अच्छे से हम इसे पूरी तरीके से निकाल लेंगे और ये जूस हमारा तैयार हो गया है डाई के लिए। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा पानी रिड्यूस होकर हाफ रह गया है और अब हमने जो चुकंदर का जूस यहाँ पर निकाल के रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। चुकंदर का जूस ऐड करने के बाद में हमें यहाँ पर फ्लेम को मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। 15-20 मिनट के लिए इसे पकाना है और बीच बीच में इसे चलाते रहना है। इसको यूज़ करने से आपके सफ़ेद बालों पर बहुत अच्छा कलर आएगा और आपके बाल नेचुरल तरीके से ब्लैक होने लग जाएंगे। तो आप इसे यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत अच्छा तरीका है वाइट हेयर को ब्लैक करने का। ये देखिए, जब ये हमारे 15-20 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद में ये इस तरीके की दिखाई देने लगेगी। और इसके बाद में जो हमें नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है वो है इंडिगो पाउडर। मैंने 1 बड़ा चम्मच इंडिगो पाउडर ऐड किया है यहाँ पर और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। ये हमारे बालों को बहुत अच्छा कलर देगा और इसमें एक भी लम्ब्स नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, आप यहाँ पर इंडिगो पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा थिक लगाना चाहते हैं तो और बढ़ा भी सकते हैं, बाकी ये ठंडा होने के बाद में थिक हो जाएगा। और अब हम अपनी फ्लेम यहाँ पर बंद कर देंगे। इंडिगो पाउडर डालने के बाद में हमें फ्लेम को नहीं जलाकर रखना है, बंद कर देना है और ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे कवर करके रखा था, 1 घंटा हो गया है। अब हम देख लेते हैं, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और अब हम इसे अपने बालों में अप्लाई करेंगे,
अपने बालों में अप्लाई करने से पहले आपके बालों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं होना चाहिए। रूट से लेकर टिप तक इसे अप्लाई करना है। 2 घंटे के लिए अपने बालों पर इसे रखना है और शावर कैप पहन लेना है। उसके बाद में आप 2 घंटे बाद में नॉर्मल वाटर से अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। शैम्पू नहीं करना है और ज़्यादा गर्म पानी से विंटर में अपने बालों को नहीं धोना है। इस हेयर डाई को वीक में एक बार यूज़ कीजिए विंटर में और अपने रिजल्ट मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे अपनी एक और न्यू रेमेडी के साथ में। टेक केयर।